आज के कार्यक्रम महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि आज दिन भर क्या हुआ और क्या क्या यौन के मुद्दे हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। साथियों मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को, सुबह सबसे पहले शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी से मुलाकात की, उनके सामने रखा कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रीट के बाद आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती में कम से कम 2-3 महीने का अंतराल होना चाहिए और रीट भर्ती का के बाद होने वाली शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी होना चाहिए जल्द से जल्द और पीटीआई भर्ती की विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए। 2016 सेकंड ग्रेड का मामला हो, संस्कृत विभाग भर्तियों का मामला हो, लेकिन साथियों सबसे अच्छी बात निकल के आई है कि जो हम लगातार मांग कर रहे थे कि 5000 पदों पर पीटीआई भर्ती निकल जाए और आज आपने देखा होगा वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है जिसके लिए संघर्ष किया था, एक संघर्ष की ऐतिहासिक जीत है। सबसे बड़ी भर्ती पीटीआई के लिए तो सबसे बड़ी भर्ती है ये, इससे पहले इतने पदों पर भर्ती नहीं आई है। फर्स्ट सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के इनके सबसे ज़्यादा, थर्ड ग्रेड के 5126 पद है और 461 है आपने देखा होगा सेकंड ग्रेड के। साथियों उसके बाद चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी से मैं मुलाकात की, उनसे मिल के आया और उसके बाद धर्मेंद्र राठौड़ जी से मुलाकात की, उनको वादा याद दिलाया और फिर बीच में जब शिक्षा मंत्री से मिला था तब महेश जोशी जी से मिला और फिर उसके बाद सचिवालय में गया, वहाँ कार्यवाहक में ओबीसी मामले में जॉइंट सेक्रेटरी से मिला, डीओपी जॉइंट सेक्रेटरी से और फिर एससीएस शिक्षा विभाग से मुलाकात की और उसके बाद कृषि आयुक्त नवनियुक्त हुए हैं कान्हा राम जी से मुलाकात की और फिर शाम को घर पूछा और अब आपके बीच में लाइव हूँ क्योंकि तमाम अलग अलग विभाग है लेकिन अलग अलग मांगों के लिए तमाम अधिकारियों से मुलाकात थी। अब इन मुलाकातों का परिणाम क्या निकला इसके लिए मैं युवा तक कार्यक्रम में और सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो समस्या है मुझे लगातार जब मैं पार्क में या कहीं बाहर जाता हूँ तो मुझे युवा मिलते हैं कि वो कहते हैं कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूँ या शिक्षक भर्ती की तैयारी करूँ या मैं सेकेंड ग्रेड की भर्ती की तैयारी करूँ, किसकी तैयारी करूँ सरकार ये बताए। यानी कि 17 लाख से ज़्यादा प्रदेश का बेरोजगार कह रहा है कि हम तैयारी किसकी करें, अभी तक कैलेंडर जारी नहीं हुआ, अभी तक सरकार ने तिथियां जारी नहीं की और सबसे बड़ी बात है कि सरकार जब तिथियां जारी करेगी ऐसा नहीं करती कि तिथियां टकराएं, बेरोजगारों को तैयारी का मौका नहीं मिले तो वो तैयारी का मौका मिले और आपस में भर्तियों की परीक्षाओं में अंतराल कम से कम 2-3 महीने का होना चाहिए और जल्द से जल्द इनकी तिथियां सरकार जारी करे। ये मांग युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से ये तमाम प्रदेश के लाखों बेरोजगारों की पीड़ा है जो मैं सरकार तक पहुंचा रहा हूं। अब मैं अच्छी खबर बता रहा हूं, इस युवा तक कार्यक्रम में आप विशेष फल देखना, थोड़ी देर बाद कई लोग ट्वीट भी करेंगे उस चीज को लेकर, कॉपी पेस्ट गेंद तैयार है क्योंकि मैं जो बोलूंगा उसके बाद वो अपने चैनलों पे व्हाट्सएप ग्रुप पे नाम लिख के और वो पेस्ट करेंगे। जो रीट का जो सिलेबस की जो मांग कर रहे थे समझ में, शिक्षा विभाग एससीएस से आज आईएएस अधिकारी से मीटिंग हुई और जो एजेंसी जो माध्यमिक अधीनस्थ बोर्ड को, दोस्तों रीट 2022 की बेहतरीन तैयारी कीजिए भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। यहाँ पर रीट 2022 के बेहतरीन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, भारत के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, प्री टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो आप तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से बैच में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको कोड यूज करना है टीचर गुरुजी कोड यूज करते आपको 10% ऑफ मिलेगा, तो आप तुरंत जाकर अनअकैडमी को डाउनलोड कर सकते हैं और अब बैच ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि तुरंत ही अब जल्द ही अनअकैडमी के प्राइजेस हाइक होने वाले, तो आप जाकर इन बैचेस में जुड़ सकते हैं। बनाया गया है चेयरमैन मोदी जी से उनकी बात हुई है, एक दो दिन में यहाँ से लेटर भेजा जाएगा अधीनस्थ बोर्ड चेयरमैन मोदी जी को और अभी जो आप टॉपिक वाइज जो सिलेबस जारी करवाना है अधीनस्थ बोर्ड ही फाइनल सिलेबस जारी करेगा क्योंकि उन्होंने कहा अधीनस्थ बोर्ड को कह दिया है कि आप ही इसका विस्तार पूर्वक आप इसका सिलेबस जारी करें और यदि कोई समस्या आती है तो वो विभागीय सपोर्ट जो जितना सहयोग होगा वो शिक्षा विभाग भी करेगा। यानी कि एक दो दिन में लेटर चला जाएगा अधीनस्थ बोर्ड और फिर उसके बाद अधीनस्थ बोर्ड ही रीट का विस्तृत सिलेबस जारी करेगा और मैं आपको बता दूं पूर्ण आशा करता हूं कि जल्द से जल्द मैं जारी कराऊंगा, चेयरमैन साहब से मेरी बात होगी, एक बार लेटर आ जाए तो वो हमारी टीम इस कार्य में जुड़ जाएगी और जल्द से जल्द जारी कर देंगे। यानी कि मैं कोशिश करूंगा कि 15 दिन के अंदर ही आपका सिलेबस जारी हो, 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगे। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर यही है कि एक दो दिन में यहाँ से लेटर शिक्षा विभाग से चला जाएगा, अधीनस्थ बोर्ड चेयरमैन एससीएस शिक्षा विभाग दोनों के बीच में बात हो चुकी है, उन्होंने कहा कि वो लेटर भेजे कि ये अधीनस्थ बोर्ड जारी करे तो अधीनस्थ बोर्ड जारी कर देगा, इसलिए आप चिंता ना करें, आपका सिलेबस 15 दिन के अंदर जारी कराने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो का सिलेबस आपने देखा होगा जारी होगा, जो मैंने आपको लाइव बताया था वही थे 200 अंक,
वही अधिकतर सिलेबस था, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं था। अब विश्वास हो गया कि जो मैं कहता हूँ वही होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले कई दिनों पहले वही सिलेबस था। और अब रीट का सिलेबस भी जल्द जारी होगा। मैंने मेरे सामने बात ही जो स्थिति आपको स्पष्ट कर दी, और जल्दी मैं चेयरमैन साहब से और स्थिति स्पष्ट कर लूंगा कि क्योंकि लेटर जाते ही मैं चेयरमैन साहब से मिलूंगा। लेटर एक दो दिन के लिए कहा था, कल या परसों तक वो लेटर अध्यक्ष बोर्ड पहुंच जाएगा, ये एससीएस साहब ने मुझे बताया। तो अब साथियों, ये सिलेबस का जो इंतजार कर रहे थे वो भी जल्दी जारी हो जाएगा। अब तीनों भर्ती परीक्षाएं फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड, इनकी तिथि और इनमें टकराव नहीं हो। और जो विशेष शिक्षक भर्ती जो निकालने की मांग कर रहा है अच्छे पदों पर, जैसे पीटीई की मांग पूरी होगी तो वो कह रहे हैं हमारी मांगें पूरी हो, तो वो कल सुबह माने शिक्षा मंत्री जी से जो पीटीआई भर्ती की जो घोषणा हुई, वो बेरोजगार बहुत खुश है। कल सुबह उनको 8:30 बजे धन्यवाद देने के लिए, काफी बेरोजगार जा रहे हैं पीटीआई वाले, तो धन्यवाद भी देंगे शिक्षा मंत्री जी का जो उन्होंने उनकी मांग पूरी की। वास्तव आपने देखा होगा ट्वीट के माध्यम से मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी कई दिनों बाद सरकार के प्रति सकारात्मक बोलते मैंने धन्यवाद दिया, क्योंकि धन्यवाद बनता है। कोई भी हो अच्छा काम करेगी सरकार धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमें राजनीति नहीं करनी, जहाँ सरकार काम करेगी। जब मान लीजिए जो तुम तमाम लोग मांग कर रहे हैं, आपकी मांग करोगे तो आप भी धन्यवाद दोगे। तो पीटीआई भर्ती की हम मांग कर रहे थे 5,000 से ज्यादा पदों पर, आप वैकेंसी आ गई तो धन्यवाद देने जाएंगे। साथ में ही फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाली भी मांग रखेंगे, साथ में ही संस्कृत वाक की भर्तियों की मांग रखेंगे, साथ में ही आपके विशेष शिक्षक, जो विशेष शिक्षक जो लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है आ जाओ कल संस्कृत विभाग वाले मैसेज कर आ जाओ, आप लोग आना नहीं चाहते हो, कहते उपेन यादव साथ नहीं, उपेन यादव तो आज भी साथ था, साथ है, साथ रहेगा। आपकी बात सरकार तक पूछा सकता हूँ, मेरी सीएमओ में जो मुख्यमंत्री सचिव साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम विभाग में जो आपका जो क्राइटेरिया बना है वो पदों की सूचना जुटा रहे हैं, भर्ती निकालेंगे हम हमारे कमिटमेंट में, लेकिन ये नहीं कह रहे 5,000 निकालेंगे। जो पदों की सूचना मंगा रहे हैं, जितने रिक्त पद हैं, जितने छात्र जो वहाँ पढ़ने वाले छात्र होंगे उनके अनुपात में जितने पद होंगे वो निकालेंगे, ये आज वो कमिटमेंट में आज भी वो कह रहे हैं हम उस पर है, कायम है, मैं मिल के आऊँ। लेकिन मैं कई बार लाइव में नहीं बोलता हूँ, विशेष शिक्षक है तो उपेन यादव नहीं बोला, अरे उपेन यादव तो पहले भी साथ था, आज भी साथ है, हमेशा साथ दूंगा ये विशेष शिक्षक की। अब मैं रीट सिलेबस की बात कर ही रहा था, और वास्तव में एक चीज बताऊँ, पीटीए के जो पद बढ़े हैं और बहुत स्वागत योग्य है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, क्योंकि हम विरोधी नहीं है, लेकिन जहां गलत नीति होती है, पेपर लीक होता है, नकल होता है, वहां मैं विरोध करता हूं, ये मेरी नीति है, नियम है, जहां सरकार गलत काम की क्यों हम विरोध करेंगे। यदि सत्ता में कोई राजा है और राजा के कुछ सैनिक गलत काम करे या राजा के कोई अधिकारी गलत काम करे तो विरोध करेंगे, तभी तो जनता विरोध करेगी, तभी राजा को पता चलेगा। हम विरोध इसीलिए करते हैं, जहां गलत होगा हम विरोध करते और करते रहेंगे। सरकार तक बात पूछे, मुख्यमंत्री तक बात पूछे, आपने जैसे अच्छा काम किया मैंने धन्यवाद दिया, कल आके हमारे जो सभी साथी पीटीआई भर्ती के लिए धन्यवाद देंगे, लेकिन अन्य भर्तियां भी पूरी हो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। साथियों एक चीज और बता दो आप लोगों को, वीडियो का सिलेबस जारी हो चुका है, ओबीसी जो मामले का था, ओबीसी वाले काफी लोग जुड़े हुए हैं हॉरिजॉन्टल आरक्षण का, इस संबंध में आज कार्य विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी से मेरी करीब आधे घंटे इस संबंध में चर्चा हुई, मीटिंग हुई। उन्होंने एक बात कही है कि कई लोग सोशल मीडिया पे डाले के 2017-18 में बीजेपी सरकार थी और उन्होंने वो आरक्षण के नियम बदल दिए और हमारे साथ गलत किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 1988 का मुझे एक सर्कुलर दिखाया था, बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं गया, ये सोशल मीडिया पे केवल अफवाह है, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसमें हमने परीक्षण करवा रहे, अन्य राज्य की पॉलिसी देख रहे, कुछ कागज मुझसे भी मांगे जो मैं जो अभ्यर्थी जुड़े योगेश और तमाम जो राहुल और ये हैं सबसे मैं लेकर उनको देख के आऊंगा कल, और उन्होंने कहा कि हम बीच का रास्ता निकाल लें कि नया अभ्यर्थियों को नुकसान नहीं हो, यानी कि कोई रास्ता निकाल लें कि इनको फायदा कैसे पहुंचे।